But here, this is sort of where you have a leader, a local leader, who is really showing everybody that it is possible. So he is a source of inspiration. And I think that is what's needed, you know, to inspire others so that everybody knows that it's possible to do something. And he also helps to provide sort of concrete initiatives that people can connect to. Because sometimes people want to help, but they don't know how. So this is actually helping a lot of people here to, you know, to give them that platform where they can help. What was required was ground action. The enforcement seems to be very poor, at least in my country. So I said I'm going to use my two hands to the best use. What a government policy would tell you to do, or what a law would tell you to do, or what a court order would tell you to do, I started doing it before they could. So I am a strong proponent that young people or people who are at the ground level start protecting the environment and the ocean as it should be, I think we'll have a better and healthier ocean. What we do is, in a participative democracy, we do two things. We vote, we pay our taxes, and after that, we wait for our governments to react. We want the governments to react. Can the protection of the environment is the job of the government, or a court will order in India if the government will not do it. But I feel reverse. We have research. I am responsible for it. The muck which you see on the planet Earth is my doing. And I am a firm believer of what my great leader Mahatma Gandhi said. He was very clear. You don't need an NGO, you don't need a bank account, you can be the change yourself. So the idea is, so from bottom to top down, that individuals don't wait for policies to come in, regulations to come in, the laws to take effect. The laws, policies, regulations will supplement you. देख लो किसी भी पैकेट में खाना और फिर उस प्लास्टिक को फेंक देने में शायद ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जब उसे आप फेंकते हैं और वो कचरा आके ओशंस में यहाँ पे इकट्ठा होता है और फिर वो एक तादाद के रूप में पूरे बीच पे जमा हो जाता है, तो उसको साफ करने में काफ़ी टाइम लगता है। और शायद इसके बारे में लोग सोचते होंगे कि हम उसे साफ कर सकते हैं, लेकिन सोचना और करने में काफ़ी फ़र्क होता है। और इस बीच जो फ़र्क है उसे मिटाते हुए एक शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आफरोज शाह सर हमारे साथ मौजूद है। 2015 में बरसोवा क्लीनअप बीच इन्होंने ये मुहिम जारी की और उसके बाद अभी तक ये इसे जारी ही रख रहे हैं। बहुत लोग अभी तक इनके साथ जुड़े हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो मुहिम ये शुरू की है वो सक्सेसफुल हुई। क्या कहना चाहेंगे सर, कब स्टार्ट किया आपने, कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया कि ये सारी चीज़ें शुरू करनी चाहिए? अक्टूबर 2 को 5 साल हो जाएंगे जी फिर भी और खाली बीच क्लीनअप नहीं है, बीच क्लीनअप एक पार्ट है। ये प्रॉब्लम जो बोलते हैं ना प्लास्टिक पोल्यूशन, जी तो मैं हमेशा बोलता हूँ दिमाग में शुरू होता है, दिमाग में ख़त्म होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये तो एक कॉन्सिक्वेंस है कि किसने प्लास्टिक लाया फेंक दिया, जब उसके दिमाग में होता फेंकता ही नहीं, समुन्द्र में, नदियों में, नालों में, फॉरेस्ट में तो होता ही नहीं। तो ये मुहिम जो है माइंड सेट क्लीनअप उसका एक पार्ट है। तो जब यहाँ पे लोग आके प्लास्टिक उठाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस करें हमारे घर में, ये प्लास्टिक है। जैसे अभी हमारे साथ नॉर्वेजियन काउंसिल जनरल आने, तो मैं इनसे बता रहा था कि छोटे छोटे मल्टी लेयर पैकेजिंग, वेफर खाते हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, चाय की पत्ती, फिर क्या बोलते हैं दूध के पैकेट, टेट्रा पैक, सीमेंट के बैग, पान पराग के बैग, गुटके के बैग, ये सब छोटे 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 पैकेजिंग मल्टी लेयर आने के। तो दिमाग बदलने की मुहिम है। हमारे वहाँ महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्लियर बताया किस तरह करना, हाथ रोल अप करो और शुरू हो जाओ। तो यही 5 साल पहले मैंने भी सोचा कि चलो करते हैं और सीखते हैं और सीखते हैं और करते हैं।
जी तो सर कितने लोग अभी तक पांच सालों में कितने लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस चीज़ को कि किसी को इन सब चीज़ों के लिए कन्वेंस करना बहुत मुश्किल होता है कि आओ हमारे साथ बीच क्लीन अप करो, तो वो सारी चीज़ें कैसे आप मैनेज कर लेते हैं, लोग कैसे कन्वेंस हो जाते हैं? हम चार चीज़ें करते हैं हर रोज। एक तो ये बीच क्लीन अप है, तो ये वीकेंड की एक्टिविटी होती है। दूसरा लोगों को ट्रेन अप करना जाके कि गार्बेज कैसे कम करें, बहुत क्रूशियल है, नहीं तो आप जिंदगी भर बीच क्लीनअप करते रहेंगे। आइडिया बीच क्लीनअप का जिंदगी भर बीच क्लीनअप करना नहीं है, आइडिया ये है कि जो आए वो सीखे और चेंज करे। तो लोगों की ट्रेनिंग है, टॉयलेट्स क्लीनअप है, मैंग्रोव जो है बहुत इकोलॉजिकल की साफ सफाई होती है। फिर लोगों के साथ जुड़ना, बात करना कि किस तरह हम हमारे कचरे को कम करें, कचरे को कम करेंगे तो जीतेंगे, कचरे को कम नहीं करेंगे देश खराब रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये लोग जो हम लोग जो सोचते हैं ना कि बुलाए जाए, बुलाए मत, खुद ही करते रहो, अपने आप लोग आ जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ महात्मा गांधी थोड़ी बुलाते थे, वो करते थे, उनके पीछे आ जाते थे, तो हम भी करते रहते। मैं सबको बोलता हूँ आके करिए और सीखिए खुद। जी सर, तो अभी तक तो आपको ये शुरू किए हुए 5 साल हुए हैं, क्या लगता है कि अभी 5 सालों में क्या फ़र्क आया और कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि लोग सर फेंकते रहते हैं कचरा, वो बात नहीं आती। ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा है जैसे हमारी ज़िंदगी है। जी अभी मैं आपको पूछूं कि आप बचपन से ब्रेकफास्ट खाती हैं, बंद कर दो, आप क्या बोलेंगे? अरे सर मैं तो मर जाऊँगी भूखा। मैं आपको बोल दूँ लंच बंद कर दो, डिनर बंद कर दो। ये वैसे ही काम है, कुछ चीज़ें ज़िंदगी भर करती रहनी पड़ेंगी। कुछ लोग हैं प्लास्टिक को लाएंगे समुंदर में फेंकेंगे, उनको कम करने की एक मुहिम है, किस तरह प्लास्टिक समुंदर में नहीं आए, किस तरह रिसाइकलिंग जाए, किस तरह खरीदा ही नहीं जाए। तो ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, इसको टाइम इक्विवेलेंस देना सही नहीं है, क्योंकि वो अजम्पशन ये होता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ 5 साल हो गए 40 मिलियन kg उठाने के बाद, ये सल्यूशन नहीं है इसको, ये जर्नी स्टार्ट करना जरूरी है। मे भी एक दिन निकल जाएगा, 10 साल के बाद 20 साल के बाद वो टाइम ही बताएगा। बट काम शुरू करो। हर आदमी जो भारत का है वो बाहर आए, ये अपना देश है, अपनी समुंदर है, अपनी नदी है, अपना माउंटेन है, तो उसको हम संभालो। अभी देखिए नॉर्वे के काउंसिल जनरल मेरे साथ हैं, ये नॉर्वे से आते हैं, अभी चार्ज लिया इन्होंने 15-20 दिन हो गए, और वो उनका पहला काम है कि मेरे साथ जुड़ के काम करना। अगर हम लोग सब मिलके ऐसे इनके जैसे सोचने लग जाए, हर वर्ल्ड का आदमी और हर देशवासी, तो हम बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। जर्नी शुरू कीजिए, 2 घंटा एक हफ्ते में 168 आज इतना आसान है। घर पे कर गार्बेज कम कीजिए, बाहर आके थोड़ा साफ कीजिए। अरे टीवी चैनल बदलते बदलते निकल जाता है। जी बिल्कुल सर। सर तो आपने ये स्टार्ट किया था, लेकिन हम सबको पता है कि जब हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो वहाँ पे रुकावटें भी बहुत होती हैं, लोग रोकने वाले भी बहुत होते हैं, तो वैसी कुछ रुकावटें आई हैं श्योरली आपकी भी इस जर्नी में? ये जर्नी ऐसी है, मैं इसको हमेशा एक जर्नी को बोलता हूँ डेट विद ओशन। डेट का मतलब आपको पता है, प्यार में पड़ गए। अभी जो लोग प्यार में पड़े हुए हैं वो देख रहे हैं मेरे को, वो समझेंगे कि प्यार में कोई भी चैलेंज नहीं होता। आदमी, लड़का, लड़की जो भी है, वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वो सब चाहते हैं कि मेरी रिलेशनशिप एकदम सुपर हो जाए, मैं मेरा पार्टनर को खुश कर दूँ और मैं खुश हो जाऊँ। मेरे लिए वही है, तो कोई बाधाएं नहीं। चैलेंजेस होते हैं डेली, कुछ ये हो जाता है, कुछ वो हो जाता है, उसको कोर्स करेक्ट कर देते। ये प्यार है, ये प्यार जिंदगी भर का है, ये प्यार जब तक ये देश से रहेगा, ओशन से रहेगा, जब तक जान में जान है, जब तक हमारे ब्लड में, वेन्स और आर्टरीज में खून बहता रहेगा, उस वक्त तक हम इसी तरह देश को प्यार करेंगे। और मैं, हमारी जो मुहिम ये है, मेरा कहना लोगों को ये रहता है, फॉलोवर मत बनो। बहुत फॉलोवर है ये देश में, वर्ल्ड में, हर जगह फॉलोवर, इसको फॉलो करो, उसको फॉलो, लीडर बनो खुद, अपनी जिम्मेदारी समझो कि यहाँ क्यों आए हो, और उसको पालन करो। और उसके लिए 2 घंटे हफ्ते में लीडर बनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जी तो सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यूथ अभी इस वक्त ऐसा एनवायरनमेंट की तरफ अगर ध्यान देने वाला कोई अभी है पर्टिकुलर पार्ट हमारे सोसाइटी का, तो वो यूथ है, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए यंग लोगों को यही बोलूंगा, ये पैंडेमिक का टाइम है, उसको जोनोटिक डिजीज बोलते हैं। मैं ये कंपनीज को भी जाके बोलता, गवर्नमेंट को भी बोलता, कहीं हमारे रिश्ते मदर नेचर और अदर स्पीशीज से ख़राब हो गए, वो रिश्ते को कैसे ठीक करें ये खुद ही समझ लो। जिस तरह आप एक यंग 19-year-old 20-year-old बॉय गर्ल हैं, आपके रिश्ते हैं दूसरी स्पीशीज से, आपके रिश्ते वेल से हैं, आपके रिश्ते टर्टल से हैं, आपके रिश्ते शार्क से हैं, आपके रिश्ते झाड़ से हैं, आपके रिश्ते ये समुंदर की रेती से हैं, तो रिश्तों को सुधार दो। नहीं सुधारेंगे तो ये जोनेटिक डिजीज बता रही है, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक का पोल्यूशन होना, लोगों की जिंदगियां नहीं बदलना और वही करते रहना जिंदगी भर,
क्या इसीलिए हम आए हैं कि दूसरी स्पीशीज को सत्यानाश कर दें? तो फिर मदर नेचर रिएक्ट करता है। जोनेटिक डिजीज जो हमारे ब्रोकन रिलेशनशिप का इंडिकेशन है। तो जो यंग पीपल समझ रहे हैं, जो प्यार में वो खूब अच्छी तरह समझेंगे रिलेशनशिप को मेंट कैसे किया जाता है, मदर नेचर से अपने प्यार को और अपनी कंट्री के प्यार को, कि देश भी प्यार से आता है, इसको मेंट करो। मेंट करना आसान है, कुछ टाइम दे दो, लाइफ टाइम नहीं तो कंप्लेन करते जाओगे सोशल मीडिया पे, आपको होंगी ट्विटर फेसबुक गाली पे गाली, गाली पे गाली। और ये लास्ट दो महीने में तो खूब सुनाया जा रहा है, खूब एक दूसरे को गालियाँ, तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मैंने। कभी ये बोलते कि हम मैंने देश के लिए क्या किया? क्या मैं मेरी जान माल ये देश के लिए लगा सकता हूँ? चैंपियन ऑफ द अर्थ के साथ अभी हम मौजूद थे, जिनको ये उपाधि मिली है एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो उनसे एक शॉर्ट मैसेज हम जरूर लेना चाहेंगे कि वो हमारी ऑडियंस को एक शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? करते रहो और सीखते रहो। ओके। करोगे तो सीखोगे, सीखोगे करोगे, देश के लिए दो घंटे हफ्ते में बाहर आओ। और खाली देश नहीं है, प्लैनेट अर्थ के लिए, हर स्पीशीज के लिए। बस वो एक कहावत इंग्लिश में, जस्ट डू इट। ओके, जस्ट डू इट। सो जस्ट डू इट। पॉजिटिव न्यूज मैं लेकर आती हूँ, सारी पॉजिटिव स्टोरीज हम लेकर आते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रोज शासर से पॉजिटिव इंसान और कोई नहीं हो सकता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ के साथ हमने आज बातचीत की। आप लोग समझ गए होंगे कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको सेव करना हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरीके से सेव करते हैं। और जितना हम उसे सेव करेंगे उतना ये एनवायरनमेंट हमारा साथ देगा। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसी ही पॉजिटिव स्टोरी के साथ मैं जयंती हिंडीट में आपसे फिर मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद हिंडीट।